So let us discuss profits and gains from business or profession. Short में हम इसको PGBP बोलते हैं. इसका आज हम overview लेंगे. Section 28 से लेकर के 44AE तक. देखिए ये जो chapter है ये income tax में सबसे बड़ा chapter है और students जो है इस chapter से देखिए इस चैप्टर को अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट आपने करना है तो आपका जो थ्योरी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है. कई स्टूडेंट्स बीकॉम करने के बाद लॉ करते हैं और इनकम टैक्स में स्पेशलाइजेशन करते हैं और इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं. तो मैं रोजी रोटी के साथ इसको क्यों जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक हमने हेड्स जो पढ़े वो सैलरी पढ़ा, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा. सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी में जो इम्प्लॉय होता है वो थोड़ी सी नॉलेज रख करके अपनी रिटर्न कई बार अपने आप ही फिल कर लेता है और अपनी प्लानिंग जो है वो टैक्स प्लानिंग कर लेता है. सेम लाइंस के ऊपर जो हाउस प्रॉपर्टी है उसमें भी उसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती. अब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सैलरी वाला बहुत कम लोग आपके पास आएंगे, हाउस प्रॉपर्टी वाले थोड़े से ज्यादा आएंगे, लेकिन जो मैक्सिमम लोग आपके पास आएंगे वो होगा बिजनेसमैन. और बिजनेसमैन की टैक्स प्लानिंग आप करेंगे, उसकी रिटर्न्स आप फाइल करेंगे. तो इस तरह से जो क्लाइंट है वो आपको जो आएगा वो खास करके इसी हेड वाला आएगा, इसी हेड वाला एसएससी आएगा. इसलिए मैं आपको इसको रोजी रोटी के साथ जोड़ रहा हूं. उसी तरह से मान लीजिए कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बीकॉम करने के बाद सीए करते हैं और सीए करने के बाद वो भी इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं. तो इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करने के लिए उनके पास जो क्लाइंट आएंगे वो खास करके प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिनकी इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से होगी वही क्लाइंट आपके पास ज्यादा आएगा. तो इसलिए अगर क्लाइंट आपके पास आता है तो अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है, बेस आपका स्ट्रांग है, तभी आप उन लोगों के साथ डील कर पाएंगे. तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि और एग्जामिनेशन प्वाइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं आपको बीकॉम में, तो एग्जामिनेशन प्वाइंट ऑफ व्यू में भी जो न्यूमेरिकल है वो खास करके यहीं से आता है. लेकिन वो जो न्यूमेरिकल है वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट लेता है सॉल्व करने के लिए. लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए वो 10 से 15 मिनट लेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एडजस्टमेंट्स करनी होती है, प्लस और माइनस करना होता है. लेकिन प्लस और माइनस भी वही कर पाएगा जिसकी थ्योरी स्ट्रांग होगी. इसलिए इस चैप्टर में टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन थ्योरी हम आपकी स्ट्रांग करेंगे और जिसका रिजल्ट ये होगा कि आप एग्जाम में आपका जो न्यूमेरिकल होगा वो आप इजीली 10 या 15 मिनट में उसको सॉल्व करके जो है वो सॉल्व कर देंगे. तो इसलिए मैंने आपको लाइवलीहुड पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव डिस्कस दैट व्हाई दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड ओके इट मे बी दैट इट इज ए लेंथी चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी. और साथ में मैं आज सबसे पहले इसकी प्लानिंग कर दूंगा जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि हम अभी हमने डिस्कस क्या करना है, कहां डिस्कस कर रहे हैं, कहां पहुंचना है, क्या करना है. ये सारी बातें जो है आज के लेक्चर में हम इस ओवरव्यू के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इससे पहले कि हम इस चैप्टर की तरफ को डिस्कस करें, सबसे पहले तो अभी तक हमने जो डिस्कशन करी है वो आपको पता है कि हमने इनकम टैक्स क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होती है, असेसमेंट ईयर क्या होती है, एसएससी क्या होता है, पर्सन क्या होता है, और उसके बाद हमने एग्जम्पशंस की बातें करी, रेजिडेंशियल स्टेटस की बातें करी. फिर उसके बाद हम हेड्स ऑफ द इनकम यानी कि किसी भी पर्सन की एसएससी की जो भी इनकम है उसको हम पांच हेड्स में डिवाइड करते हैं. तो जो पांच हेड्स थे उसमें हमने जैसे आपको कहा शब्को वर्ड है ये, जिसमें पहला हेड हमारे पास सैलरी का है. तो सैलरी का चैप्टर हमने डिस्कस कर दिया है. उसके बाद हमने दूसरा हेड जो था हमारा हाउस प्रॉपर्टी का था, वो हाउस प्रॉपर्टी भी अब हमने अभी तक हमने कवर कर दिया है. अब हमारा जो मेन फोकस होगा वो थर्ड हेड के ऊपर होगा, जिसको मैंने बी लिखा है. बी इसको शॉर्ट नेम दिया है लेकिन अल्टीमेटली इसका पूरा नाम है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. वैसे तो बीपी है, बिजनेस भी है, प्रोफेशन भी है, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपका नाम. इसमें जो सेक्शन 28 से 44AE के ऊपर ही हमारा मेन फोकस रहेगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. तो इसका मतलब है कि अभी तक हम मैं ये कह सकता हूं कि ये हेड जो है आपका ये थर्ड हेड ऑफ द इनकम है. अच्छा, आपकी जो जर्नी है वो यहीं खत्म नहीं हो जाएगी, अभी आपकी जर्नी जो है वो नेक्स्ट हेड पे भी जाएगी, जिसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं.
तो ये जो कैपिटल गेन है, ये आपके पास जितनी भी कैपिटल एसेट्स होती हैं उनको सेल करके अगर आपको को गेन और प्रॉफिट होता है, वो इस चैप्टर में डिस्कस होगा। तो अभी तक अभी हम इसको डिस्कस फ्यूचर में करेंगे, तो इसलिए हमारा फोकस अभी इसके ऊपर भी नहीं होगा। और लास्ट का हेड कुछ बातें हमने इसकी हमने पहले भी सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के साथ भी डिस्कस करी है, हो सकता है कुछ रेफरेंस हम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में भी लें। तो इसको हम साइमल्टेनियसली डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सेपरेटली भी हम इसको डिस्कस करेंगे, विच इज नोन एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इस तरह से अभी तक हम कहां पे हैं जी, अभी तक हम अपने जो थर्ड हेड ऑफ द इनकम है, क्योंकि ये जो जितनी भी बातें आपकी हेड्स ऑफ द इनकम है, ये किसने दी है, हमारे सेक्शन 14 में दी थी, जो हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था। क्योंकि 15 से जो है हम स्टार्ट हो गए थे, सैलरी से स्टार्ट हो गए थे, हाउस प्रॉपर्टी की तरफ को गए 22 में, 24 डिडक्शंस, और अब हम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो आप अगर इंटरेस्ट लेंगे तो ये चैप्टर जो है वो जैसे मैंने कहा कि रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप किसी कंपनी में इम्प्लॉय भी बन जाते हैं तो वहां पे भी अगर आपको रिटर्न फाइल करनी होगी तो तब भी आपको सारे जो प्रोविजंस हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर बिजनेस और प्रोफेशन के वो आने चाहिए। इसलिए प्लीज टेक द इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर। देखिए अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पर्सन है, ये देखिए दिस इज ए पर्सन, चाहे आप कोई भी पर्सन है, मान लीजिए कि वो कुछ एक जैसे मान लीजिए कि वो जॉब भी करता है, राइट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर वो किसी फर्म के साथ जॉब करता है, नौकरी करता है, इसका मतलब है उसका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, और वहां से उसको मान लेता हूं कि वो उसको 20 लाख रुपीस की वो एनुअल इनकम होती है। हाँ, उसके इसके साथ ही उसके पास एक घर है और साथ में एक और घर उसने बना रखा है जिसको उसने रेंट आउट कर रखा है, तो जैसे आम आदमी करता है, तो इसलिए इसका मतलब है कि उसको हाउस प्रॉपर्टी से कुछ रेंट भी मिल रहा है। तो वो जो रेंट है वो तकरीबन 5 लाख रुपए के करीब एक साल का उसको रेंट मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं कहूं कि एक वो साथ में एक बिजनेस भी कर रहे हैं और बिजनेस में उनको 20 लाख रुपीज की इनकम हो रही है, राइट। अच्छा, अब उसके बाद है कि जो 20 लाख रुपीज की इनकम है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर रहा हूं। इसका मतलब है कि बिजनेस से भी बिजनेस वाला हेड भी यहां पे इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि सपोज कीजिए कि उनके पास कुछ एक गोल्ड था, मैं पर्सनल गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, जो कैपिटल एसेट का गोल्ड है, उस गोल्ड को भी उन्होंने सेल कर दिया और सेल करके उनको कुछ एक फायदा हो गया, यानी कि 3 लाख रुपीज का। मैं एक ऐसे आम आदमी की बात कर रहा हूं जो जनरली एक व्यवहारिक बात कर रहा हूं जो जनरली होता है। तो उन्होंने गोल्ड बेचा, 3 लाख रुपए का इनकम हो गया, तो इनकम जो है वो कहां चला गया जी, वो भी कैपिटल गेन में चला गया। तो इसका मतलब है कि कैपिटल गेन का हेड भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, अब इन्वॉल्व होने के बाद उसके बाद क्या हुआ कि उसी साल उनकी एक लॉटरी भी लग गई, ठीक है, चाहे वो कौन बनेगा करोड़पति में गए या कहीं और गए या लॉटरी लग गई। तो इस तरह से क्या है कि 2 लाख रुपए की जो है वो उनको एक लॉटरी भी लग गई। अगर लॉटरी लग गई इसका मतलब है कि वो अदर सोर्सेज का हेड इन्वॉल्व हो गया। इस तरह से अगर मैं इनका टोटल करूं तो 20 + 5 = 25, 45, 48 × 2 = 50 लाख रुपीज। यानी कि अब क्या करते हैं हम, इसके बाद 5 सोर्सेस जो इनकम होती है उस इनकम को हम क्या बोलते हैं जी, दैट इनकम, उस इनकम को हम क्या कर देते हैं, एक जगह पे ले आते हैं, जैसे यहां पे लेके आ रहे हैं हम, यहां पे ये लेके आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं, और इनका टोटल जो आपने पढ़ा था उसको हम क्या बोलते थे जी, ग्रॉस टोटल इनकम, GTI, विच इज पॉपुलरली नोन एज GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, ओके। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि हो सकता है कि ये जो बिजनेस का इनकम है वो जो 20 लाख रुपए का जो इनकम आपको बिजनेस से हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है कि वो मोर देन वन बिजनेस कर रहे हो, ओके, ठीक है जी। अगर वो मोर देन, मान लीजिए कि यही बिजनेस को ले लेता हूं, मान लो कि उन्होंने एक ए बिजनेस कर रहे हैं और साथ में एक बी बिजनेस कर रहे हैं, ए बिजनेस से उनको 30 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है लेकिन बी से जो है उनको 10 लाख रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर 10 लाख रुपए का लॉस हो रहा है तो नेट रिजल्ट क्या हो गया जी, 20 लाख रुपीज। तो वो 20 लाख रुपीज हमने यहां पे आपके लिख दिए।
इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि जो एक हेड ऑफ द इनकम का जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो सिर्फ एक ही सोर्स हो, उसके भी ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज हो सकते हैं, इट मे आल्सो बी पॉसिबल। तो इस तरह से अब हमारे पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट ये आया कि अभी तक हम ये वाला हेड पता है, ये वाला हेड है और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब ये जो 50 लाख रुपए की जो ग्रॉस टोटल इनकम है इसके ऊपर हमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये अभी तक हमने अभी तक की जो डिस्कशन करी है उसमें हमने हमें यही सीखा है। लेकिन अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन अराइज यहां पे होता है, क्योंकि हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होगा जी, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये सारी बातें मैं आपके साथ फॉर्मल वे में थोड़ी देर बात करूंगा, अभी तो मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में आपसे बात करूंगा। अभी तक मुझे आप जो हैं वो ऐसा लगता है जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, राइट। इसका जो नॉमिनक्लेचर है हेड ऑफ हेड का जो है वो ही आपको बता रहा है कि जो बिजनेस और प्रोफेशन है, जो पर्सन जो एसएससी इसको कैरी कर रहा है उसको ऐसी एक्टिविटीज जो है वो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, तो अब यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब आपके पास क्या था जी, ये जी पर्सन थे और ये मिस्टर ए बिजनेस कर रहे थे और ये बी बिजनेस कर रहे थे, ये एसएससी थे, राइट जी। और ये एसएससी जो है एक तरह से दो बिजनेस कर रहे थे और एक बिजनेस से उनको 30 लाख रुपए का क्या था जी, ये पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव इनकम हो गई, प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये जो बी इनकम है इससे हम उन्हें नेगेटिव इनकम हो गई, जिसको कि हम बोलते हैं लॉस हो गया, और इस तरह से जो इनका रिजल्ट है वो 20 लाख रुपीज हो गया। अब ये जो क्वेश्चन अराइज होता है, क्या 20 लाख रुपए के ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन हम आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है जी, अगर ये प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन को कैसे कैलकुलेट करना है यही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये जो सारी बातें हैं हाउ टू कंप्यूट दिस प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये सारी बातें किसके अंडर लिखी गई है, सेक्शन 29 के अंदर। सेक्शन 29 में आपको दे रखा है कि हाउ द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इज टू बी कंप्यूटेड। तो मैं अभी यहां थोड़ा सा फॉर्मल बात करूंगा, फिर मैं इन्हीं बातों को आगे डिस्कस करूंगा। जैसे एडमिसिबल डिडक्शन, अभी आपको कोई पता नहीं चलेगा ये 32-37 क्या चीज है, लेकिन मैं वैसे ही आपको थोड़ा सा अवेयर कर रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर देना है मुझे 20 लाख रुपीज का। कुछ है इन एडमिसिबल डिडक्शन सेक्शन 40 के अंडर है, ये सेक्शन 29 बोल रहा हूं मैं, नहीं बोल रहा हूं। ये एक्सपेंसेस और पेमेंट्स नॉट डिडक्टेबल इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये टर्म के साथ थोड़ा सा आप अवेयर हो जाए, फिर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बात करूं इनके साथ, आपके साथ इन्हीं टर्म्स के रिलेटेड, फिर आपके दिमाग में ये बातें आ जाए कि अच्छा ये बातें थी वो। ये है प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41, क्योंकि सेक्शन 28 भी प्रॉफिट के बारे में बोलता है, 41 भी प्रॉफिट के बारे में बोलता है। और इसके अलावा ये कुछ एक अदर प्रोविजंस हैं, सेक्शन 38 है, 43, 43A, B, 40C, मतलब इस चैप्टर में स्टूडेंट जो है वो सेक्शन देख करके घबरा जाता है, आपने नहीं घबराना। ये मैंने जस्ट आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, कौन सी सेक्शन है जी, सेक्शन 29 है, जिसने हमें बोला है कि हाउ टू कंप्यूट द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। क्लियर है जी यहां तक बात। अब मैं दोबारा से एक आम इंसान की तरह अब आपसे मैं बात करूंगा। देखिए, अगर मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसके कैलकुलेशन के लिए, जैसे आम मैंने बात कर रहा, इसके कैलकुलेशन के सिर्फ दो ही स्टेप हैं। आप हैरान होंगे, अच्छा दो स्टेप हैं, बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूं दो ही स्टेप्स हैं, पर ये डिपेंड करता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसी है। तो ये तो मैं अभी तक जैसे आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो बता रहा हूं। तो हमने कहा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम ईच बिजनेस बी कंप्यूटेड सेपरेटली, सबसे पहले तो ये बात उन्होंने कही है, ठीक है जी। तो अभी मैंने आपसे एक जो इंस्टांस आपसे बात करी कि आपने देखा कि वहां 20 लाख रुपए की इनकम हुई थी,
20 लाख रुपए की इनकम को प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से हुई थी, लेकिन उसकी मैंने आपको बैकग्राउंड भी बताई थी कि इस पर्सन के दो बिजनेस हैं, एक बिजनेस ए है और एक बिजनेस बी है। बिजनेस ए से इनकम उनको 30 लाख हो रही है और बिजनेस बी से जो है 10 लाख रुपए की नेगेटिव इनकम हो रही है। तो हमें क्या बोला गया कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम ईच बिजनेस बी कंप्यूटेड सेपरेटली। तो आपको जो 20 लाख रुपए आया, अगर उसके पास डिफरेंट बिजनेसेस हैं तो हर बिजनेस की हर इनकम जो है वो सेपरेटली कैलकुलेट करनी है। तो 30 लाख अलग से करी, 10 लाख रुपए अलग से करी, उसके बाद हमारा जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के जो प्रोविजन है वो लगा करके हमने 20 लाख रुपए जो नेट रिजल्ट था वो लिख दिया। और जो नेट रिजल्ट आपका जो लिख दिया था 20 लाख रुपए का, वही हमने प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में आपके सामने ये लिख दिया था 20 लाख रुपए। तो 20 लाख की सैलरी थी, 5 लाख रुपए उनको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम थी, 20 लाख रुपए की इनकम नेट रिजल्ट था, पर उन्होंने हमें प्रोविजन बोल रहे हैं कि अलग अलग से, इसलिए हमने अलग अलग किया। और कैपिटल गेन से उन्होंने थोड़ा सोना बेच दिया और साथ में उनके लॉटरी भी लग गई। ठीक है जी। अच्छा, अब मान लेते हैं कि ये एक इंस्टांस है एक लेमैन की लैंग्वेज में, कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इनकम क्या है। तो जो इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 28 के अंदर बोलते हैं कि इनकम क्या होगी। सेक्शन 41 भी बोलती है कि इनकम क्या होगी, वो अभी मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूं क्योंकि अभी आप लेमैन हैं। तो इसको बोलते हैं हम इंक्लूसिव आइटम्स, चार्जिंग सेक्शन भी बोलते हैं इसको इनकम, कि भाई इनकम क्या होगी। मान लेता हूं कि 90 लाख रुपीस की जो है वो किसी पर्सन की इनकम है, पर अब मैं क्या ले रहा हूं हर हेड हर बिजनेस का अलग से, फिर उस इनकम में से मैं क्या कर रहा हूं एक्सपेंडिचर लेस कर रहा हूं। कौन सा? वो सेक्शन 29 ने बोला जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, फॉर्मेटिंग मतलब मेथड्स टू कंप्यूट प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। उसमें उन्होंने क्या कहा कि 32-44 सेक्शन डीबी के अंदर जो है कुछ एक ऐसे एक्सपेंडिचर है विच आर डिडक्टेबल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ एक ऐसे सेक्शन है जैसे 40 है, 40 है, 43 भी है, वो बोलते हैं नॉट डिडक्टिबल। अब ये डिडक्टिबल और नॉट डिडक्टिबल क्या चीज हो गई? हाँ, मैं अब आपसे ये बात करता हूं। मान लीजिए कि अब आपके पास क्या है, अब जो अकाउंटिंग बुक्स हैं वो किसके अकॉर्डिंगली बनती हैं? गैप के अकॉर्डिंग बनती है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, उसके अकॉर्डिंगली बनती है ना जी। आप जानते हैं अभी तक आप अकाउंटिंग हम कर ही रहे थे, तो अब आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा ना जी, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा ये कौन से अकाउंटिंग से आएगा? ये तो सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल के अकॉर्डिंगली आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी तक आपके पास जो रिजल्ट आया है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिजल्ट आया है, तो वहां पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में आपको क्या दे रखी है? इनकम दे रखी है। वो इनकम मैंने यहां लिख दी, उसमें से इधर आपके एक्सपेंडिचर होंगे। मैं क्या करूंगा, फटाफट से एक्सपेंडिचर यहां से उठाऊंगा, ये लो जी 70 लाख रुपीस। ठीक है, मैंने क्या कहा जी 70 लाख रुपीस के इसके एक्सपेंडिचर हैं, तो 20 लाख रुपए जो है वो इनका जो है क्या है प्रॉफिट है, 20 लाख रुपए प्रॉफिट है, उसको ऊपर आप क्या लगाइए इनकम टैक्स लगा दीजिएगा। यही करेंगे ना आप, क्योंकि अभी आप लेमैन है। अगर आप ये करते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने 20 लाख रुपए जो लिखे हैं आपके लिए, ये इसके ऊपर अगर आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करोगे तो इसका मतलब है आप गलत काम कर रहे हो। सर ये गलत काम कैसे आपने कह दिया कि ये गलत काम है? क्योंकि हमें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो है वो डिटेल्स उठाई है और हमने यहां पर लिख दिया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इनकम टैक्स में प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में जो मैं सेक्शन की बात कर रहा था, सेक्शन 28-44 AE के प्रोविजंस जो हैं, ये जो आपके प्रोविजंस हैं, ये हमें रोक लेते हैं। ये क्या कहते हैं सर? ये कहते हैं कि देखिए, इनकम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम है वो इनकम नहीं होगी, जो सेक्शन 28 बोलेगी वो इनकम होगी। तो जरूरी नहीं है कि जो ये नेट ये जो 90 लाख रुपीज की इनकम है वो इनकम ही होगी। हो सकता है कि कुछ एक आइटम जो वो इनकम का इनकम की जो कंडीशन है वो फुलफिल ना करती हो, इसलिए उनको हम यहां पे नहीं लेंगे। बात क्लियर है? तो ये डिस्प्यूट किसके बीच आ गया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इनकम टैक्स के बीच में डिस्प्यूट आ गया, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। अब तो ये कहता है कि नहीं इनकम ये होगी, तो ये कहता है नहीं इनकम हम इसको नहीं मानते, हम तो सेक्शन 28 जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंगली इनकम होगी। तो हो सकता है ये इनकम इससे कम हो सकता है 90 लाख रुपीज ही हो, उससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद सेक्शन 29 के अंडर जो उन्होंने मेथड्स बोले हैं उसमें क्या बोला, कहता है आपने बोला जी एक्सपेंडिचर है 70 लाख रुपए के, बोला जी हाँ बिल्कुल हमने बोला। तो वो कहता है कि हमारा जो सेक्शन 3244DB के अंडर जो एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने दे रखे हैं, अगर वो इन सेक्शन को क्वालिफाई करते हैं तो वो अलाउ होंगे। मैं बाद में अलाउ वर्ड यूज करूंगा, लेकिन यहां पे अभी मैं डिडक्टिबल वर्ड यूज कर रहा हूं, यानी कि उन्हीं को लेस किया जाएगा। और कुछ एक ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो इन सेक्शन के अंडर आते हैं, उनको मैं अलाउ नहीं करूंगा, उनको मैं लेस नहीं करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं, ये एक्सपेंडिचर में इनकम टैक्स में एक तरह से उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, बिल्कुल कर दिया। कौन सी? कुछ एक अलाउएबल और कुछ एक डिसअलाउड। लेकिन यहां पे तो वो सारे के सारे अलाउ करता है, बिल्कुल सर, बस यही लड़ाई है इनके बीच में। लेकिन हमें बेस तो लेना पड़ेगा ना कोई जिसके ऊपर हम इनकम टैक्स के प्रोविजन लगाएं। तो अगर बेस लेना है तो हर कंपनी, हर बिजनेसमैन कौन सा अकाउंटिंग बना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। तो हम उसका बेस उठाएंगे, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है, हम इनकम वहां से उठाएंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इनकम फॉल करती है सेक्शन 28 के अकॉर्डिंगली कि नहीं। तो हम ये सारी बातें किसके अंदर पढ़ेंगे? सेक्शन 28 के पढ़े। अभी तो हम ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। तो अब हमें 39 में जो एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दे रखे हैं उनमें भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन से एक्सपेंडिचर अलाउएबल हैं, यानी कि डिडक्टेबल हैं, यानी कि इनकम टैक्स ने अलाउ कर रखा है वही लेस होंगे, जो इनकम टैक्स ने अलाउ नहीं करा है वो लेस नहीं होंगे, दैट आर नॉट अलाउड एक्सपेंडिचर। तो हमें वहां पे इनके बीच में कैटेगराइज करनी पड़ेगी। यहां तक बात क्लियर है? तो अब मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि इनकम जो है वो सेक्शन 28 कहता है कि ठीक है जी 90 लाख रुपीस और जो इनकम टैक्स का प्रोविजन है वो दोनों मैच कर रहे हैं कि बिल्कुल है जी। लेकिन ये हमारे पास इनकम आ गई, लेकिन उसमें से जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर आपने 70 लाख रुपीज है, 70 लाख रुपीज में ये बोलता है जी डिडक्टिबल तो सिर्फ 60 लाख रुपीज के हैं और जो नॉन डिडक्टिबल है वो 10 लाख रुपीज के हैं। लो जी, अब इसका मतलब क्या हुआ? ये अलाउ होंगे, ये डिस अलाउ हो जाएंगे, ये लेस नहीं होंगे। अगर ये लेस नहीं होंगे तो एक्सपेंडिचर यहां पे मेरे से सिर्फ कितना हो गया, 60 लाख रुपीज ही माइनस होगा, 70 नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास अब जो प्रॉफिट है इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली, जो इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है, वो 20 लाख नहीं हुई, वो कितनी हुई, 30 लाख रुपए। यहां तक बात क्लियर है? तो बस ये 20 और 30 लाख रुपए के बीच का जो डिफरेंस है, जो 90 लाख रुपीज इन्होंने बताया, क्या इनकम टैक्स भी उसी को ये बताता है? क्या 70 लाख रुपीज जो एक्सपेंडिचर ये बता रहा है, क्या वो एक्सपेंडिचर जो है वो ये ऑल आर डिडक्टेबल या कुछ एक जो है वो डिसअलाउड भी है? तो बस यही प्रोविजन्स हमें यहां पर सीखने होते हैं। अगर ये प्रोविजन्स हम सीख गए तो सिंपल सी बात होगी, तब तो हमें दो स्टेप तो फॉलो करने होते हैं, वही तो हमने एडजस्टमेंट करनी। तभी तो मैंने आपको बोला कि न्यूमेरिकल में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट लगेंगे। अगर आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो जो इनकम सेक्शन 28 बोलेगी वो इनकम मानो, और जो एक्सपेंडिचर 29 के अंदर जो है इन सेक्शन के अंदर आती है उनको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो उसमें थोड़ा डेबिट और क्रेडिट होता है, तो उसको बेस मान करके हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। उसका मास्टर चार्ट में आगे बताऊंगा आपको कि वो जो एडजस्टमेंट्स हैं जनरली, हम वो जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हम कैसे करते हैं, इसको मैं फॉर्मल वे में आपको बताऊंगा। अभी तो मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में अभी आपको समझा रहा हूं। तो बात क्लियर होगी जी? तो यहां पे प्रॉफिट कितना हुआ जी, 30 लाख। 20 लाख का प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि वो अकाउंटिंग की तरफ से था, ये इनकम टैक्स के प्रोविजन है। अगर अकाउंटिंग के प्रोविजन से चलेंगे और इनकम टैक्स से प्रोविजन करेंगे तो दोनों के बीच में हमें क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट। तो कौन सा अलाउ होगा, कौन सा अलाउ नहीं होगा, कौन सा डिडक्टेबल होगा, कौन सा नॉन डिडक्टेबल होगा, तो इसके लिए आपको थ्योरी जो है आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो बस ये थ्योरी जिसकी स्ट्रांग होगी उसको 15 मिनट्स में जो क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन करी उससे जो हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव निकल के आया वो क्या था, वो ये ऑब्जेक्टिव आया कि व्हाट इनकम्स विल कम अंडर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन सेक्शन 28 और 41 के अंडर। ये 41 मैंने क्यों बाद की बात इनकम ले रखी है ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है हाउ मच डिडक्शन वी कैन क्लेम, तो कितनी डिडक्शन हम क्लेम कर पाएंगे वो कौन बताएगा हमें, सेक्शन 30 से लेकर के 44 डीबी तक बताएगा। और बस
तभी हम कर पाएंगे. देन वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट अंडर इनकम टैक्स. तभी हम इनकम टैक्स के अंदर जो प्रॉफिट्स होगा प्रोविजन के अकॉर्डिंगली होगा वो अगर हमारे पास आ गया तो हम उसके ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे. तो ये था जी हमारा एक लेमैन के लैंग्वेज में. अब जो मैंने एक आम आदमी के लैंग्वेज में डिस्कस किया उसको मैं अब आपके सामने फॉर्मल वे में इसको डिस्क्राइब करता हूं. ठीक है जी, जिसको मैंने टाइटल दे दिया प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, शॉर्ट में मैंने PGBP इंट्रोडक्शन. जो अभी तक हमने डिस्कस किया वही हम मैंने इसको फॉर्मल वे में आपके सामने रख दिया. तो प्रूव करके बताया हमने आपको कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन इज द थर्ड हेड ऑफ द इनकम प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 14. अब अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका दोबारा से रिवीजन बता सकता हूं. ये फर्स्ट हेड है, ये सेकंड हेड है और ये थर्ड हेड है जिसके ऊपर हमारा मेन फोकस है. कैपिटल गेन फोर्थ है और ये रेजिडरी है जिसको हम फिफ्थ हेड बोलते हैं. ठीक है जी. अच्छा, इट इज एविडेंट फ्रॉम नॉमिनकलेचर ऑफ दिस हेड, बता रहा है कि एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोफेशन इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम सच एक्टिविटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. जो अभी मैंने आपको बताया कि किसके बीच में लड़ाई हो रही थी जी, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इनकम टैक्स के बीच में लड़ाई हो रही थी. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलती है प्रॉफिट ये है, इनकम टैक्स बोलता है नहीं मैं तेरे प्रोविजन नहीं मानता, मेरे भी अपने प्रोविजन्स हैं, जो मेरे अपने प्रोविजन्स हैं मैं वो लगाऊंगा और पर लगाने के बाद जो प्रॉफिट होगा मैं उसी के ऊपर इनकम टैक्स लूंगा, जो तूने कैलकुलेट कर रखा है मैं उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लूंगा. ठीक है जी ये बात. तो ये हमने आपको फॉर्मल वे में बता दी. इन ऑर्डर टू असर्टन द प्रॉफिट्स फॉर ए पार्टिकुलर टाइम पीरियड एंटिटीज प्रिपेयर स्टेटमेंट्स. कोई भी है जब भी हम एक प्रीवियस ईयर, तभी तो आपने देखा क्या कि अब सारी कंपनीज जो हैं वो इनकम टैक्स, क्योंकि पहले क्या होता था जी जनवरी टू दिसंबर भी अकाउंट बना लेते थे लोग. जब जनवरी टू दिसंबर बनाते थे तो इनकम टैक्स वाला बोलता था भाई मेरे को तो अप्रैल टू मार्च चाहिए, क्योंकि मेरा तो फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर तो अप्रैल टू मार्च चलता है. तो सबने क्या किया है, अब आप देखेंगे कि जनवरी टू दिसंबर या मार्च टू दिवाली टू दिवाली, दशहरा टू दशहरा नहीं मिलता. अब आपको सारे अकाउंट्स मैंडेटरी अप्रैल टू मार्च मिलते हैं, नहीं तो उसको डबल मेहनत करनी पड़ती थी. पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस तरह से पढ़ो, फिर इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रैल टू मार्च तक उसको दोबारा से आप उसको रिस्ट्रक्चर करो. तो अब सारे जो है अप्रैल टू मार्च ही बनाते हैं. तो इसलिए जब भी हम एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड जो 12 महीने का होता है जनरली प्रिपेयर स्टेटमेंट, क्या क्या, एक तो हम जो नया फॉर्मेट आया हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली वो है हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर प्रॉफिट है दूसरा जो नॉन कंपनी बिजनेस है वो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर आपके पास जो प्रोफेशनल्स लोग हैं वो क्या बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो ये हमारे सोर्स होंगे, ये हमारा बेस होगा जिसके ऊपर हमने कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि यही लोग हमें कुछ एक रिजल्ट देंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके ऊपर हम इनकम टैक्स के प्रोविजन लगा करके हम उनके अकाउंट्स में थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करेंगे और अपनी प्रॉफिट्स निकाल लेंगे. ओके, अब बोल रहा है कि दीज स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज. हाउएवर The profits of a business or profession that are chargeable to income tax are arrived at after making certain adjustments in accounting profits. यही बात मैंने आपको बात करी. अकाउंट बुक्स रिजल्ट आपका गैप के अकॉर्डिंगली है, लगाने आपने इनकम टैक्स के प्रोविजन है, तो नेचुरली क्या करनी पड़ेगी जी, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी उसमें. और एडजस्टमेंट कौन पर कर पाएगा, जिसका थ्योरी स्ट्रांग होगा, वो तो एक मिनट में बता देगा ये इधर करो ये इधर करो ये ऐसा करो, ये अलाउड है ये डिस अलाउड है, ये अगर अलाउड है तो इतना अलाउड है, डिस अलाउड है तो इतना डिस अलाउड है. बस आपको भी तो वैसे ही तो एक्सपर्ट बनाना है हमने अब आपको. So, to understand the method of computing profits that are chargeable to income tax, the following कंप्यूटेशन चार्ट में भी नोटेड. तो ये आपके पास हमने एक मास्टर चार्ट, जो मैं दो स्टेप्स की बात कर रहा था पहले उसको थोड़ा सा फॉर्मल शेप दी है मैंने. तो पहले मेरा इनकम, इनकम्स स्पेसिफिकली चार्जेबल एज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन सेक्शन 28 के ऊपर मुझे पढ़ना पड़ेगा. प्रॉफिट्स चार्जेबल टू टैक्स जिसको हम डीम्ड प्रॉफिट्स बोलते हैं सेक्शन 41 के अंदर. ये ऐसा है कि हम जब हम ये डिडक्शंस देते हैं ना, डिडक्शन देने के बाद कुछ एक इनकम जो है वो हमें दोबारा से रिसीव हो जाती हैं, इसलिए वो उनको हम जैसे मान लीजिए कि आपका ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है और वो बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं. अगर रिकवर हो जाते तो यहां आपने एक्सपेंडिचर दे दिया तो फिर उसका क्या करेंगे. तो ऐसे इसलिए वो सेक्शन बहुत दूर चली जाती है, ये इनको पढ़ने के बाद ही समझ आती है.
लेकिन फिर भी हमें तो करना है, तो इसलिए प्रॉफिट्स चार्जेबल टू टैक्स जिसको हम बोलते हैं डीम्ड प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 41। क्योंकि अभी तक मैंने आपको लेमैन के लैंग्वेज में तो सिर्फ क्या पढ़ाया, सिर्फ सेक्शन 28 की बात करी, 41 की बात नहीं करी थी। तो ये दो सोर्स हैं और सेक्शन 28 में बहुत सारे सब सेक्शन हैं, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम आपको स्ट्रक्चर भी बताएंगे क्या करना है। उसके बाद हमारे ये आते हैं एक्सपेंडिचर्स, जो अभी मैं दो स्टेप में बात कर रहा हूं। ये हैं स्पेसिफिक डिडक्शंस हैं जो सेक्शन 30-36, ये हमें डिटेल में पढ़नी है। उसके बाद हमारी जनरल डिडक्शंस हैं 37, जो यहां कवर नहीं होगी, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, अगर उनको फुलफिल करता है तो वो 37 के अंडर जो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। उसी तरह से सर्टन डिडक्शंस टू बी ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट, अगर आप एक्चुअल पेमेंट करोगे तो डिडक्शन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब देखिए, ऐसा तो आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या आपके गैप के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं होता, वहां तो ड्यू बेसिस के ऊपर चल पड़ता है। ये सारी बातें किसके अंडर है, सेक्शन 43B के अंडर है। डिडक्शन फॉर विच स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट, यहां पे कुछ एक स्पेशल प्रोविजन है, वो भी हम 42, 43C, 44A, 40AA, 40ADA, टाइम टू टाइम ये कुछ इसमें चेंजेस होती रहती हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं। तो बस इनकम में से आपने एक्सपेंडिचर को लेस किया, आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो यही तो हमारे पास स्पेसिफिक डिडक्शन, ये आपको एक आइडिया दे रहा हूं, एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि आपको यहां से भी गुजरना है, यहां से भी गुजरना है, यहां से भी है, 28 से भी जाना है, 41 है, 29 की बात हमने बात कर रही है। तो लेकिन साथ साथ में आपको किसके ऊपर नजर रखनी है, यू हैव टू कीप ऑन वॉच एक्सपेंसेस नॉट अलाउड अंडर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, क्योंकि वो तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे तो दे रखे होंगे, लेकिन आपको नजर रखनी है कि कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर थे जो कि अलाउड नहीं थे लेकिन यहां पे दे रखे हैं, उनकी भी तो एडजस्टमेंट करनी है। तो ये 37(2)(b) है, 38(2) है, 40(b) है, 43(b) है, या एक्सपेंसेस और पेमेंट्स नॉट डिडक्टेबल इन सर्कमस्टांसेस, कुछ एक ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जहां पे हमें उनकी डिडक्शन नहीं देनी पड़ती है। तो ये चीजें भी आपकी माइंड में होनी चाहिए, यू हैव टू कीप ए वॉच ऑन दीज ऑल, देन यू आर इन ए पोजीशन टू कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये हमारे पास एक छोटा सा हमने जो मास्टर चार्ट बना करके आपको एक जो लेमैन की लैंग्वेज में हमने आपको बताया उसको हमने फॉर्मल वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ओके, तो अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो है कि व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, जो थोड़ा सा मैंने और डिटेल में अब आपको आगे पहुंचाने की कोशिश करी है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिसमें डेफिनेशन ऑफ बिजनेस है प्रोफेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13-26। पहले हमें इसका तो पता होना चाहिए कि बिजनेस प्रोफेशन होता क्या है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर कुछ अब जो मैंने रेड से करी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा, और जो थोड़ा सा ब्लू से भी है उनके ऊपर हमारा फोकस क्लियर तो रहेगा लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप रहेगा। इनकम्स चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कौन कौन सी ऐसी इनकम्स हैं वो हम सेक्शन 28 के अंदर डिस्कस करेंगे। 29 में आपको पता है फॉर्मेटिंग है, परमिटेड डिडक्शन एंड अलाउंसेस क्या है। सेक्शन 30 के अंदर जो है हम बिल्डिंग्स की बातें हैं, कौन सा अलाउड होगा, कौन सा डिसअलाउड होगा। 31 में हमारा प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर है, और 32 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन के बिना आपका न्यूमेरिकल जो है वो नहीं हो पाता। 32AC में हम न्यू प्लांट एंड मशीनरी की बातें डिस्कस करेंगे कि अगर नया प्लांट एंड मशीनरी बिजनेसमैन लगा दिया है तो वो एक्सपेंडिचर अलाउ होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कितना होगा, ये सारी बातें। 32AD के अंदर न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन बैकवर्ड एरियाज में, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हम बैकवर्ड एरिया में ले जाना चाहते हैं, उस तरह से हम प्लांट टी कॉफी और रबड़ को प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो सारी सेक्शन क्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी। साइट रिस्टोरेशन फंड की बात हम इसके सेक्शन के अंदर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आगे जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फिर कौन सी आ गई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर, तो इनके ऊपर हमारी डिटेल में डिस्कशन रहेगी जो रेड से है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज 35AB, 35AC एलिजिबल प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट यहां चेंज करती रहती है। 35AD के अंदर जो है एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस है, ये स्पेसिफाइड बिजनेस की डेफिनेशन भी गवर्नमेंट जो है ईयर टू ईयर चेंज करती रहती है। 35CCA के अंदर एक्सपेंडिचर फॉर कैरिंग आउट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, लेकिन आपका जो मैंने बताया कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेन फोकस हमारा जो रेड से है उनके ऊपर रहेगा।
एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट 35CCC के अंडर है, एक्सपेंडिचर ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये आजकल लाइमलाइट में है। 35D के अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल टाइम लगाएंगे। अमलगामेशन और डिमर्जर आपने अभी हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ा है, उसके ऊपर खर्चा होता है तो वो कहां से होगा। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम 35DDA के अंडर होगा। 35E के अंडर एक्सपेंडिचर ऑन प्रोस्पेक्टिंग एटसेट्रा फॉर सर्टन मिनरल्स, जो हम माइंस के अंदर जो निकालते हैं उनके ऊपर कितना मिलेगा। 36 के अंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक रिडक्शन, 37 और इंपॉर्टेंट है जनरल रिडक्शन है, 37(2) भी एडवर्टीजमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज के सोवनियर वगैरह में अगर आप करते हैं। अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था कि आपकी आंख यहां भी होनी चाहिए। और एक्सपेंसेस पेमेंट्स नॉट डिडक्टेबल इन सर्कमस्टांसेस रेड से है। फिर 41 यू आ गया जी डीम्ड प्रॉफिट, जबकि वो वहां मैंने मास्टर चार्ट में दोनों को क्या किया, इकट्ठा किया ना सेक्शन 28 और 41। उसके बाद 43 है सर्टेन रिडक्शन ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यही न्यूमेरिकल में ये ज्यादा तंग करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स है, और कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस प्रोफेशन ऑन प्रेजम्प्टिव बेसिस, इसमें यह कि आपकी अगर टर्नओवर सेल जो है आपकी एक पार्टिकुलर लिमिट के अंदर है तो आपको एक लमसम सा टैक्स जो है एक पार्टिकुलर रेट के ऊपर देना पड़ता है, आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये बातें हम इसी के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि आज हमने एक ओवरव्यू देकर के आपको एक स्ट्रक्चर की बात बताई कि आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहां इसकी रेलेवेंस क्या है, वो सारी बातें आज हमने आपसे डिस्कस करी। क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा डेफिनेशन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन से, फिर हम इनकम सेक्शन 28 से, और फिर हम एक्सपेंडिचर जो डिडक्शंस हैं वो 30 से लेकर के 36 तक एक जगह पे डिस्कस करेंगे, फिर हम 37 की तरफ डिस्कस करेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ये 28, 41, 32, 36, 37, 43 भी, जिसको कि मैंने एक एक करके आपके सामने जो है वो एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का डिस्कशन के लिए एक आपको एक रफ स्केच सा, एक आइडिया सा, एक बाउंड्री जो है अब हमने जो है वो फिक्स कर ली है, जिसके अंदर जो है हम ये प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का जो एक लंबा चौड़ा चैप्टर है उसको हम इजी कैसे बना सकें और कैसे जो है हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। तो ये सारी बातें आज हमने डिटेल में आपसे डिस्कस करी सेक्शन 28 टू 44 ई के अंदर जो है वो हमारी डिस्कशन हो।